छोटी छोटी पोर्टेबल वाटर बॉटल आ रही है अपना पॉकेट में डालो यूज करो थ्रो कर दो तो वो सब में मुझे लगता है कि हम पाँच मिनट के लिए पानी पी के और पाँच सौ साल के लिए जहर इस अर्थ को दे देते हैं थोड़ा और अवेयर होने की जरूरत हाँ के अपने आप मैंने 2012 में स्टार्ट किया था जब कॉलेज आया था तो मेरे सीनियर थे वो बजा रहे थे धीरज चार जी उन्हीं से सीखा भी फिर मैंने कुछ टाइम पहले बार फ्लूट उन्होंने ला के दी थी मुझे अब मैं अपने लिए कुछ भी मन करता है जब प्ले कर लेता हूँ तो अभी कीजिए मुझे कितना मेडिटेटिव हो सकता है हाँ अभी देखे ना एक आर्टिस्ट ही हो सकता है वो जो बांस के एक टुकड़े से म्यूजिक बना दे कूड़े से आर्ट बना दे पार्ट है भी ये जीवन का जीवन का पार्ट है थोड़ा सा बचपन के बारे में बताइए कैसा रहा हरिद्वार में आपका जन्म हुआ हाँ हाँ स्कूलिंग वगैरह फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ अच्छा। और स्ट्रगल था वो काफ़ी रहा एक छोटे financial से फाइनेंशियली स्ट्रगल लिविंग स्ट्रगल तब तो हमारा जीवन भी इसी तरीके से चलता था फार्मिंग से चलता था फिर फादर की जॉब लग गई रेवाड़ी के अंदर तो 1999 में हम लोग वहाँ पर आ गए इसके बाद स्कूलिंग शुरू हुआ इससे पहले मैं रे अपने हरिद्वार में ही हैं। कितने भाई बहन है हम चार भाई बहन हैं बचपन की क्या यादें बचपन की यादें तो धुंधला सी गई हैं कुछ कुछ गोल्डन है जैसे अच्छी भी हैं बहुत सारी तो अच्छी है कि जो आ, उस टाइम पे लाइट नहीं हुआ करती थी और जो मैं अपने दादाजी के पास ही ज़्यादा टाइम बिताया मैंने जब मैं छोटा था जब भी मैं गांव में था मतलब वहीं उन्हीं के साथ ही रहा हूँ और तो रामलीला होती थी तो वो पूरा रजाई में लपेट के <laughs> चले जाते थे देखने तब वो ड्रामा हम देखते थे उस टाइम पर और गिनतियाँ वगैरह वो सिखाते थे आपने बचपन के बारे में बताया अच्छी बुरी दोनों याद हैं बुरी क्या है बुरी आ, याद करनी पड़ेगी क्योंकि बुरी मैंने बस इंस्पिरेशन ली और एक आ, उसको पुश करने के लिए एक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कि आगे ये हुआ तो इससे मुझे ये स्ट्रगल करना है ये चीज़ें ठीक करनी है और आगे मूव ऑन करना है तो काफ़ी मेमोरीज थी कि किस तरीके से हमेशा इंस्पायर होना है अपनी जो कमजोरियां हैं उनको आगे पार्ट बनाना है उसको मजबूत करना है आपका कहाँ से इंट्रोडक्शन हुआ आर्ट से स्कूल में जो किताबें आती थी ना तो एक क्योरसिटी रहती थी कि नई नई इमेज आएगी जब भी नई बुक आती थी तो मैं से पहले उसमें इमेज देखता था क्या क्या इमेज है उस टाइम पे कुछ इलस्ट्रेशन ब्लैक एंड वाइट होती थी कुछ कलर होती थी तब के टाइम पे तो वो एक इंस्पिरेशन थी इंस्पिरेशन क्या एक पार्ट ऑफ ये था कि मुझे ये कॉपी करना है मुझे बस ड्राइंग करना है बनाना है तो मैं अपना एक आ, कोई भी बुक वगैरह पे उसको हमेशा कोशिश करता था तो इस तरीके से स्टार्ट होती है और मैं जो मेरा टेंथ ट्वेल्थ जो था वो नॉन मेडिकल से मैंने किया था तो यहाँ तक ट्वेल्थ अच्छा। भी ट्वेल्थ के बाद मैं बीटेक ज्वाइन करने वाला था अच्छा क्योंकि मैं, हाँ हाँ रेवाड़ी में जब था तो वहाँ पर पता नहीं था कि आर्ट का भी कुछ ऐसा कोर्स होता है या फिर जो फाइन आर्ट के कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी मेरे पास और कुछ चोर्च भी नहीं था तो ये बड़ी डिफिकल्टी होती है ना छोटी जगह पर आप जी रहते हैं आपको एक्सपोजर ही नहीं होता कि आप लाइफ में क्या क्या कर सकते जी हैं। जी जी आपने बताया आपके पैर में कुछ चोट है क्या जी जी पोलियो हुआ था हाँ मैं मैं बाई बर्थ जब था तो वो फिट और उस टाइम पे 90 के आसपास में पोलियो से पूरा भारत जो था, था जूझ रहा था जूझ रहा था और तब पोलियो की ड्रॉप्स काफ़ी दी जा रही थी तब ली भी गई मैंने भी ली थी शायद और उस टाइम पे बुखार आ, में इंजेक्शन नहीं लगाते तो जो डॉक्टर थे वो उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया तो मेरे दोनों पैर जो पोलियो से ग्रस्त हो चुके थे अच्छा हाँ तो मैं आ, मतलब खड़ा नहीं हो पाता था छः छः महीने का समथिंग में रहा हूँ उस टाइम पे और काफ़ी सारे डॉक्टर को इधर उधर दिखाया कुछ हुआ नहीं तो फिर ऐसे ही एक देसी इलाज एक अकीम मिले उन्होंने बोला इतना जगह ट्राई कर ले एक बार मुझे दीजिए तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो था कि गर्म पट्टी लपेट दिया कुछ टाइम के लिए मालिश वगैरह करके और बोला कि गीला नहीं होने देना है तो पहले लेफ्ट लेग पर किया इस पर सक्सेसफुल रहा वो ठीक हो गया फिर राइट लेग पे किया तो शादी में कहीं जाना था और डॉक्टर उन्होंने बोला था कि गीला नहीं होने देना तो मैं दादी के पास था तो मैंने ना पोटी कर दिया और वो गीला हो गया तो दादी ने धो दिया अरे तो इस वजह से एक पैर रह गया एक पैर ठीक हो गया तो फिर धीरे 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 होता रहा थर्ड ईयर में फिर मेरा ट्रीटमेंट हुआ थर्ड क्लास के अंदर जब मैं यहीं दिल्ली में पहली बार जब आया तो ट्रीटमेंट के लिए ही आया तब से इम्प्रूवमेंट है तो धीरे धीरे ग्रोथ बाय ग्रोथ ठीक होता जाएगा उस बाकी अगर तेज़ चल रहे तो मैं स्लो चल रहा हूँ लेकिन चल रहा हूँ इतना है तो उस हिसाब से मैं कभी देखा नहीं रुकने वाला हिसाब था नहीं ठीक है तो चाहे बड़े स्टेप तो आगे बढ़ता तो एहसास भी नहीं हुआ पानी की तरह बहते रहा। हाँ बिल्कुल कोई तो कहते ना रुके हुए पानी में तो जी 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 बदबू आती किसी ये बचपन का रहा आपका फिर आर्ट से इंट्रोडक्शन आपने बताया कि बचपन से एक रुझाव था जी जी तो लेकिन आर्ट की तरफ एज अ करियर लेना है वो कैसे हुआ हमारे पिताजी का भी जो सपना है वो यही था कि इंजीनियर बनना है वो अपने से जो सीनियर लोग थे उनको देखते हैं तो हम जहाँ से देखते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए तो उसी ड्रीम को पूरा कर रहे थे करते करते ट्वेल्थ आ गया लेकिन अंदर से सेटिसफेक्शन नहीं था कर रहे हैं आदमी जो भी कुछ चाहेगा वो कर सकता है डेडिकेटली उसको अपना टाइम देना है उसको और हार्ड वर्क करना है तो कुछ भी हो वो बन सकता है तो वही प्रोसीजर मैं फॉलो करते हुए अपना चलता रहा उस टाइम पे मैं नॉन मेडिकल की तरफ चला गया और जैसे ही मुझे पता चला कि आर्ट कॉलेज ऐसा होता है मैं अपना ड्राइंग किसी को दिखाता नहीं था क्योंकि जब भी हम ड्राइंग वगैरह कुछ दिखाते थे तो, तो वही भाई मेरा पोर्ट्रेट बना दे मेरा फ़ोटो बना दे ऐसा कुछ वो तो हम नहीं बताते थे चुपचाप अपना बस करते रहते थे सामने बैठे हैं क्लास में कुछ चल रहा है मैं अपने रजिस्टर ख़राब कर रहा हूँ कुछ ना कुछ बना रहा होता हूँ तो मेरा एक दोस्त है उसने हम मेरे सर को बता दिया कि ये ऐसे ऐसे कुछ कुछ करता रहता तुम तो मैं बताता नहीं था इसलिए कि कुछ बनाने के लिए ना बोल दे <laughs> तो उन्होंने बताया वो तो उनके जानकारी में कोई था कि ऐसा कोई स्कूल है कॉलेज है जहाँ पर इस तरह से कुछ कोर्स कराया जाता है तो मैं वहाँ से इस तरह मेरे नॉलेज में आया मेरा एक दोस्त और मैं हमें जस्ट एक एड्रेस मिला कि दिल्ली का ये एरिया है आपको यहाँ जाके पता करना है हम उस एड्रेस को बैठा हुआ सोच रहा हूँ कैसे जाऊँ मेरा दोस्त आया कि चलो चलते हैं पहली बार पहली बार पहली बार हाँ अंकित मतलब हम बचपन से साथ ही थे दोनों आज भी साथ ही हैं और तो उसने बोला कि चलो चलते हैं देख के आते हैं पहली बार मैं दिल्ली आ गया उस टाइम पे तब तक ऐसा कुछ फ़ोन नहीं था इतना हाईटेक हमारी जो बड़ी मुश्किल से हमारा जो लाइफ था वो चल रहा था मुझे नहीं पता कैसे चल रहा था बहुत ही कम सैलरी होती है फादर की आज भी कमी है पर उन्होंने उस कम सैलरी के अंदर हम चार भाई बहनों को अच्छे से पढ़ा दिया जो बी टेक किया हुआ है एम टेक किया हुआ है डी यू से ही जो छोटे भाई ने बी एस सी किया हुआ है और बहन ने बी एड वगैरह सब कंप्लीट अच्छे से एजुकेशन कराई किस तरीके से कराई मैं जानता नहीं बड़ा डिफिकल्ट है आज मैं सोचता इतना इतना आज... हूँ हाँ एक्सपेंसिव है आज मैं आ, कमा रहा हूँ तो मुझे लगता है ये मेरे लिए कम पड़ रहा है लेकिन उन्होंने कैसे बैलेंस कर दिया इतना सब कुछ लेकिन कितना लगता है ना जब आप स्पेशली जब आप कमाने लगते हैं तब आपको शायद पहली बार पैसे की अहमियत पता चल जी 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 है ना उससे पहले आपको नहीं लगता नहीं स्कूल में पहली बार एक कुछ पेंटिंग बना के दी मैंने वो पसंद आई सर को उन्होंने कुछ मुझे एक कंपनसेशन दिया कुछ पैसे दिए 200 400 चार के समथिंग मटेरियल कॉस्ट मेरा निकल गया आई थिंक 200 रुपए ही दिए थे उसमें तो मैंने लेकर आया चार पेज को लेकर कर आए मेरे पास जगह नहीं है हमारा अगर छोटा सा है टू में हमने अपने घर में एंट्री की और एक ही कमरा था एक किचन और प्लस्तर नहीं किया जैसे भी है वो सिंपल वॉल के साथ हमने उसमें रहना शुरू किया था और तो मेरे पास कुछ स्पेस नहीं है कि इतना बड़ा एक काम मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसके लिए कुछ प्लेन वॉल चाहिए प्लेन वॉल नहीं है मेरे पास प्लेन फर्श नहीं है मैं बनाऊँ कैसे उसको बेड था हमारे पास तो मैंने बेड का गद्दा हटा के और उसके ऊपर रख के मैं बना रहा हूँ तो फैमिली सपोर्ट कैसे मिला वो उन्होंने मुझे किसी ने हटाया नहीं मैं रात भर अपना लाइट लगा हुआ है और मैं बैठ के बना रहा हूँ वो अपना इधर उधर सो गए सब अच्छा तो ऐसे कई बार हुआ तो कहीं ना कहीं सपोर्ट रहा हाँ हमेशा सपोर्ट रहा पॉजिटिव मुझे रिस्पॉन्स मिलता रहा हमेशा चूंकि अभी हम आपके स्टूडियो में हैं और इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीजें और आर्टिस्टिक चीजें आसपास देख रहे हैं लेकिन आप इसको थोड़ा सा समझाएंगे तो शायद और अच्छा लगेगा जी तो ये क्या है आ, मुझे पहले बहुत खुशी है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आ, जानना चाहते हैं तो यहाँ पर जो काम है वो प्लास्टिक सिटी स्केप इसका टाइटल है और ये प्लास्टिक से बनाया हुआ है मैंने प्लास्टिक रेपर से मैं लैंडस्केप से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ इस नेचर से इंस्पायर्ड हूँ तो हमेशा कोशिश ये रहेगी उसको पेंट किया जाए उसको अपने कैनवस पे उतारा जाए उसकी ब्यूटी को फील किया जाए तो मैं विजिट करता हूँ लैंडस्केप स्टडी करने के लिए मैं ज़्यादातर अपना काफ़ी लंबा टाइम मैंने ऋषिकेश में भी बिताया है तो पेंटिंग जब मैं कर रहा था और मैं एक नेचुरल स्पेस को देख आ रहा हूँ मैं नदी देख आ रहा हूँ पहाड़ देख के आ रहा हूँ बैठ के तो। आया हूँ उसके साथ में तो जैसे ही फिर मैं बैक टू दिल्ली आता हूँ अपने स्टूडियो पे क्योंकि वहाँ तो कुछ टाइम के लिए मैं जाता हूँ वन वीक के लिए दस पंद्रह दिन के लिए काम करके और वापस आ जाता हूँ जब मैं वापस दिल्ली आता हूँ तो एकदम से ट्रैफिक की आवाज़ें आ रही है कुछ पहाड़ दिख रहे हैं दिल्ली में भी एक पहाड़ है जैसे कि गाजीपुर लैंडफील्ड वो ऑलमोस्ट सेवेंटी मीटर के समथिंग उसकी हाइट है hmm. और पाँच किलोमीटर का जो दायरा है उसने कवर किया हुआ है तो एक आर्टिफिशियल मैनमेड पहाड़ है जो मैं वहाँ देखा तो उसी से इंस्पायर होकर मैंने ये पेंटिंग बनाई एक जो प्लास्टिक का एक कोलाज के तौर पे मैंने इसको क्रिएट किया है जिसमें मैंने बाय टेक्निक स्टेपलर और रैपर्स को एक बोर्ड पे स्टेपल किया है तो वही ट्रांसफॉर्मेशन मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से लैंडस्केप जो है वो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो रहे हैं और यहाँ पर जो आप एक सिटी अब देख रहे हैं आप नज़दीक से जाएंगे तो इसमें प्लास्टिक दिखाई देगा पर यही चीज़ अगर हम कुछ डिस्टेंस पे देखेंगे तो इसमें आपको एक पूरा सिटी नज़र आएगा जो ग्रे है और डायरेक्ट एक टारगेट है कि जो अर्बनिज़म है वहाँ से कितना प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि फास्ट लाइफ है हम मेट्रो लाइफ में जी रहे हैं तो इतना टाइम नहीं है तो ये पूरा हम प्लास्टिक से चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं और ये ऊपर जो ग्रे है शायद पॉल्यूशन पॉल्यूशन है और इसमें मैंने कुछ कुछ स्टोरी भी अपनी क्रिएट की है तो यहाँ पे आप देखो कुछ डिटेल्स में जैसे ये जो किसान है वो फार्मिंग कर रहा है तो अपना जो वो उगा रहा है और उसी को ही फिर अपने फूड के लिए यूज कर रहा है तो जो प्रोडक्शन है वो पहले से ही उनका सस्टेनेबल लाइफ की तरफ रहा है और अर्बन में ऐसा नहीं है वहाँ पे हम आ, हमें बिस्किट चाहिए तो हमें प्लास्टिक हाथ में हमें पहले मिलता है तो वहाँ पर हमें कई चीज़ों में प्लास्टिक सर्व भी की जा रही है तो वही मैं आ, दिखा रहा हूँ ये अपने इस काम के अंदर और ये पेंटिंग भी आपने की है जी तो आप पेंटर भी हैं जी मैं मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट से अपना बैचलर ऑफ़ फ़ाइन आर्ट किया इन पेंटिंग और अच्छा। मास्टर फाइन आर्ट किया इन पेंटिंग सिक्सटीन के अंदर तो पेंटिंग से ही मेरा जो विजुअल के साथ जो जर्नी स्टार्ट होता है मैं बताया कि मैं लैंडस्केप पेंट करता हूँ और एब्स्ट्रैक्ट भी पेंटिंग किया तो ये इन uh, टू में मैंने इसको बनाया था फिफ्टीन टू सिक्सटीन में जब मैं मास्टर में था थोड़ा सा स्टूडियो के बारे में बताइए जी मैं uh, पिछले ऑलमोस्ट uh, चार साल से प्लास्टिक मटेरियल uh, को एज ए कलर के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ अच्छा तो जब मैं अपना लैंडस्केप में जो ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा था तो मुझे डिसाइड हुआ कि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं जो नेचर है उससे इंस्पायर हूँ और वो मेरा सब्जेक्ट है पर मैं उसके लिए कर क्या रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी था तो ये जो है ये जितना जो प्लास्टिक है ये कहाँ से आता है इसका कैसे यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपके पास आया और आपने काम शुरू कर जी, दिया उसका क्या प्रोसेस होता है तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो नेचर है नेचर मैं अपने काम में यूज कर रहा हूँ उसको बना रहा हूँ सेल कर रहा हूँ दो लोग के बीच की डील हो रही है जो खरीद रहा है और जो बना रहा है सब्जेक्ट नेचर वैसा का वैसा ही है उसके लिए कुछ नहीं हो रहा है तो एक वो भी पॉइंट था मेरे लिए कि मुझे भी कुछ पैरेलल रिजल्ट लाने हैं कि मैं अपना लैंडस्केप उसको पेंट कर रहा हूँ क्या वो हमेशा वैसा रहेगा आज मैंने जो नदी बनाई वो कल जब मैं फिर आऊँगा या एक साल बाद दो साल बाद जब आऊँगा तो वो वैसी दिखेगी या नहीं दिखेगी क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बिल्कुल प्लास्टिक की एंट्री जो है लैंडस्केप में और इन सब में अब कॉमन हो गई है दिखाई देती है हमें जी तो मैंने उस टाइम पे इस मटेरियल को भी देखा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ कुछ ऐसे मटेरियल की भी मुझे तलाश थी कि मैं अपने काम में उसको यूज करूँ और नेचर के लिए भी कुछ काम किया जाए उसमें हाँ तो, वो भी आप बता रहे थे कि आप कुछ उनको बॉक्स देकर आते हैं जहाँ से आप उनका प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं हाँ हाँ और यहीं पर शायद ये ये बॉक्स जब जी कौन से ये हाँ ये हैबिट चेंजर बॉक्स है तो मैंने लोगों से इकट्ठा किया लोगों से हुआ हाँ। नहीं तो मैं रेक पिकर के पास गया जो कूड़े का ढेर रहता है मैं वहाँ गया और प्लास्टिक के लिए उनसे बोला कि आप मुझे ये सारा प्लास्टिक इकट्ठा करके दोगे जी तो उस टाइम पे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि मना कर दिया उन्होंने ये प्लास्टिक बहुत लाइट वेट है तो पूरा दिन इकट्ठा करेंगे इतना पैसा उन्हें मिलेगा नहीं और मैंने बोला जो साफ हो वही चाहिए तो उन्होंने मना कर दिया और अच्छा कि उन्होंने मना किया वहीं से मेरा जो काम का एक सिलसिला स्टार्ट होता है कि मैं ए, उसी टाइम मैंने डिसाइड किया ये जो प्लास्टिक इनके पास आ रहा है ये यहाँ से तो निकल नहीं रहा है कहीं ना कहीं से आ रहा होगा लोगों के घर से आ रहा है मतलब शोर्स जो है वो हम ही लोग हैं तो मैंने डायरेक्ट उन्हीं को ही कनेक्ट किया तो इसलिए वो कलेक्ट करने के लिए कि मैंने लोगों से डायरेक्टली बोला पर वो लोग भूल जाते हैं क्योंकि हमारी आदत में नहीं है अभी कि वेस्ट को सेग्रीगेट कैसे करना है या फिर अपना जो वेस्ट है हमारा जो डस्टबिन है वो ओपेक रहता है हम क्या उसमें डाल रहे हो दिखाई नहीं देता बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल मिक्स रहता है उसके अंदर तो उसी चीज़ को मैंने एक इंट्रेक्शन क्रिएट करने के लिए ऐसा एक बॉक्स बनाया है जो ट्रांसपेरेंट है और आप इसके अंदर जो भी कलरफुल प्लास्टिक डालेंगे तो आपको दिखाई देगा तो ऐसे इसके मैंने कई वजह तो कितनी फैमिली से कलेक्ट कर रहे हैं आप मैं अभी करंट टाइम में मैं दिल्ली से फिफ्टी फैमिलीज़ को कनेक्ट कर रखा है और उनसे प्लास्टिक ले रहा हूँ हाँ आसपास के लोग हैं कुछ हाँ। दूर से भी आते हैं जैसे जो लोग यहाँ रहते थे, थे वो छतरपुर में नहीं रहते वो कहीं और चले गए तो वो मेरा फ्रेंड है उत्कर्ष वो झांसी से प्लास्टिक मुझे देने के लिए आता है अच्छा तो हमेशा वो जब भी अपना कुछ महीने का प्लास्टिक इकट्ठा हो जाता है जब भी वो आएगा तो उसके बैग में कुछ पार्ट मेरे लिए होगा क्या बात <laughs> तो, तो, वो एक तरीके का कॉन्ट्रीब्यूशन है यस तो अच्छा भी लगता है कि लोग दूर दूर से इस तरीके से प्लास्टिक देने के लिए आते हैं तो वो जो पचास फैमिलीज हैं जिनका आप ये प्लास्टिक लेते हैं फिर उसके बाद उसका क्या प्रोसेस होता है तो बॉक्स देने के बाद मैं आ, कुछ टाइम के बाद उनसे बॉक्स इकट्ठा करता हूँ प्लास्टिक इकट्ठा करता हूँ और फिर प्लास्टिक मेरे स्पेस पे आता है उसको हम क्लीन करते हैं आ, उसका धोने के बाद बाहर अपना ड्राई करते हैं बालकनी के अंदर फिर उसका कलर के अकॉर्डिंग सेग्रीगेशन होता है तो जैसे आर्टिस्ट अपना कलर पैलेट तैयार करता है अलग अलग कलर निकालता है ट्यूब से तो मैं भी अपना जो कलर है वो खुद तैयार कर रहा हूँ तो इस पूरे प्रोसीजर में वो चिड़िया भी अब है जो इस कैनवस में नहीं भी है लेकिन उसका उसमें योगदान है वो हंड्रेड्स लोग भी हैं जो मुझे प्लास्टिक दे रहे हैं उनके इमोशंस हैं उस नेचर के लिए कि जो वो भी चाहते हैं कि प्लास्टिक अब बाहर ना जाए तो उन सब का इमोशंस जो यहाँ मुझे मिल रहा है और उसको मैं कॉलाज के तौर पे आ, आ, कलर के तौर पे उसको यूज करके एक अपना जो आ, जो मेरा अंदर के, के जो इमोशंस है।, है जो मेरा जो इस नेचर के लिए जो विजन है वो क्रिएट कर रहा हूँ मैं तो एक ग्रुप आर्ट है एक यस ये सी ग्रुप आर्ट है कम्युनिटी आर्ट कम्युनिटी आर्ट है इतने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके इमोशंस मेरे पास आ रहे हैं वो भी उसी भावना से इसको रख रहे के बाहर नहीं जाना चाहिए मैं अपने पास लेकर आप उसको एक पर्दे पर उतार हाँ, मैं एक जो भावर होता है एक सिंक होल होता है किसी भी एरिया का तो मैं वो बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अगर यहाँ पर हूँ तो पूरा छतरपुर का जो प्लास्टिक है वो मेरी तरफ आ जाए तो मैं अपने पास होल्ड करके रखूंगा कुछ ये, ये टर्टल के बारे में थोड़ा बताइए ना ये इंस्टॉलेशन किया था ना शायद आपने हाँ ये जो इंस्टॉलेशन था वही पूरी में जो पूरी में किया और फिर ये उसी का पार्ट है हाँ ये उसी का ही पार्ट है तो इसके अंदर जैसे ये टर्टल है तो ये जो स्ट्रिप्स है ये जो ये पूरा प्लास्टिक का हाँ ये पूरा प्लास्टिक का बनाया हुआ है और एक एक टर्टल जो 150 से 200 ग्राम का प्लास्टिक अपसाइकल अच्छा? कर रहा है क्योंकि ठीक है ये आधा इंच तक इसका थिकनेस और तो टाइट सॉलिड बना हुआ है काफी ये तो खूबसूरती भी हो गई और प्लास्टिक का भी यूज हो गया जी मनवीर जी अब चाय पिलवाइए जी लेकिन जैसे अभी आपकी कमाई भी शुरू हो गई काम भी है नाम भी है लोग जानते हैं प्लास्टिक मैन के नाम से भी जानते हैं आपको तो कुछ ऐसी इच्छाएं हैं या ऐसी सोच है कि अभी और पैसे कमाऊंगा घर पे ये करूंगा वो करूंगा क्योंकि आपने शायद बचपन में बहुत सारी चीजों में मन मारा हो बहुत सारी चीजों में सोचा हो कि नहीं ये बाद में करेंगे अफोर्ड नहीं कर पाए एक बच्चे का जो दिल होता है कुछ ना कुछ तो ड्रीम्स तो जिंदा रहने चाहिए हमेशा सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना है ना बिल्कुल कि सपने तो जरूरी है आपको एक एम सेट करते हैं आपके जीवन का एक लक्ष्य होता है जरूरी नहीं है वो पैसा हो नेम हो फेम हो हो सकता है सिर्फ काम करना ही आपका लक्ष्य हो आपके क्या ऐसे मेरा है? तो कुछ पाने की वो नहीं है मैं मुझे बस काम करना था मैं अपना काम करता रहा करता रहा वो सारी चीज़ें आती रही अपने आप आगे आने वाले कुछ सालों के क्या प्लान है आपको इसको, इसको लेकर क्या प्लान है आने वाले टाइम में जो प्लानिंग है ये है कि और इसको धीरे धीरे जो मैंने अपना जो भवर है जो सिंक होल है जो मैं बोल रहा हूँ कि मैं उसको चला रहा हूँ उसको और बड़ा करता जाऊँ और ऐसे ऐसे बहुत सारे कुछ जरूरी नहीं कि प्लास्टिक के लिए ही कुछ बने हर कोई एक ऐसा uh, एक अपने लाइफ में कुछ इनिशिएटिव uh, ले सकता है कुछ काम कर सकता है कि उससे ये जो कुछ कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट कर, कर है। करता रहे। लेने का ना हो आपका हाँ हाँ। कुछ आप समाज को नेचर को वापस क्या दे रहे हैं उसकी तरफ भी सोचना जी जरूरी जी, है। जी, जी। तो मैं, मैं जस्ट पेंट कर रहा था मैं अपना काम कर रहा था मैं अपना कैनवस पे पेंटिंग बना रहा था आज भी वही कर रहा हूँ लेकिन एक तरीके से आप कॉन्ट्रीब्यूट भी जी जी आज भी कुछ बनाना है कुछ क्रिएट करना है तो मैं क्रिएट ही कर रहा हूँ लेकिन जो प्रोसीजर है वो ऐसा हो गया कि अब डायरेक्ट इतने सारे लोग उसमें कनेक्ट हो गए हाँ। नेचर के लिए डायरेक्ट काम शुरू हो गया नहीं नहीं और दूसरा मुझे ऐसा लगता है जैसे जो आज हम बैठ बातचीत कर रहे हैं जो आपने बताया है इम्पोर्टेंस के बारे में प्लास्टिक को यूज़ करने के जी मुझे ऐसा लगता है हमारे भी काफ़ी सारे ऑडियंस जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं हमारी बातचीत को देख रहे हैं कहीं ना कहीं इंस्पायर होंगे आपसे आपके काम से और कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट अवेयर रहें कि प्लास्टिक कहाँ पे हम लोग यूज़ रोक सकते हैं जी, जी, या कुछ ऐसा करें कि प्लास्टिक का कम से कम यूज़ हो अगर आपको एक मैसेज देना हो हमारे ऑडियंस को यंग ऑडियंस को जो अभी शायद स्कूल कॉलेज से बाहर निकल रहे हैं करियर की शुरुआत कर रहे हैं या अभी करियर शुरू किया तो उनको क्या मैसेज होगा आपका मेरा जो काम करने का जो एक्सपीरियंस जो रहा है जो मैंने अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट किया जो रूल्स इम्प्लीमेंट किए ऑटोमेटिज्म का ज़्यादा यूज था कुछ आया उसको एक्सेप्ट किया वो जरूरी नहीं है कि कलर के तौर पे हो या सिर्फ पेंटिंग वो पूरा लाइफस्टाइल में चलता है ठीक है जो भी आप आप उसको अडेप्ट कीजिए कुछ भी आपको मिल रहा है और उसको अपना बना के अपने तरीके से फिर रखिए तो कुछ भी हो सकता है इसमें अब कुछ दायरा नहीं है कि यही रहना है यही खाना है यही सब करना है जो भी आ, आगे की तरफ से आया उसको एक्सेप्ट करते हुए चलिए ये अभी ऐसा है ये बेहतर हो जाएगा तो मैं ये करूँगा जी 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 मेरे पास गाड़ी हो जाएगी तो मैं वहाँ जाऊँगा जी जी अच्छा कॉलेज होगा तो मैं पढ़ाई करूँगा ये नहीं जो है उस सिचुएशन में बेस्ट आप क्या कर सकते हाँ टाइम तो की अपनी एक इम्पोर्टेंसी है और टाइम हाँ, की अच्छी बात ये भी कि एक जैसा नहीं है है हाँ, ना अच्छा है कल बुरा होगा फिर अच्छा आएगा तो उस पर भी मत रुके कि आज ये खराब चल रहा है हाँ, या आज टाइम अच्छा तो चल रहा है वो तो आपको उस टाइम के साथ बहते रहना है और अपना जो सर्कल है जो आपकी जो एनर्जी है जिस काम के लिए आपको यहाँ भेजा गया है वो पूरा करना है बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और मैं आपसे ये वादा तो करता हूँ कि अब मेरे घर में जो प्लास्टिक आती है उसको तो या तो मैं मतलब अभी तो अवेयर हैं हम कि कम करना है यूज़ उसका लेकिन फिर भी किसी ना किसी फॉर्म में आई जाती, जाती है तो, जाती तो उसके लिए हम और ज़्यादा अवेयर रहेंगे कि आगे उसको भी कैसे कम किया जाए और जल्दी दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे जब आपके और इंस्टॉलेशन होंगे और आपके फॉलोअर्स होंगे और बड़े बड़े काम करेंगे इसी आशा के साथ जल्दी बहुत बहुत शुक्रिया ठीक है जी अब लंच यस ठीक है जी